नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग एक बार आपके सामने फिर आ गया हूं। अब उम्मीद करता हूं कि आपके पास चीजें बहुत ही तसल्ली से पहुंचेंगी। चलिए, इस वीडियो में मैं बहुत टाइम खराब नहीं करूंगा और इस वीडियो का जो मेन पर्पज है वो है आपके लिए एक नजर। हमेशा याद रखिए कि हम लोगों का ये जो सेगमेंट है वो एक नजर के रूप में चलेगा, ठीक है। अगर कुछ बच्चे, मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर कुछ बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पे दास सर्किल, क्या लिखेंगे, दास डॉक्टर अनुराग सोनकिया पूरा इसका नाम है, और दास सर्किल को आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड चुनाव को मैं इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, उसके लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण ये है कि लेटेस्ट है, बिल्कुल करेंट जुड़ा हुआ मुद्दा है। आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो चाहे छोटी परीक्षा हो, झारखंड चुनाव से क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। और क्यों आएगा ये आपको पढ़ने के बाद जरूर मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट चीज कि झारखंड चुनाव जो है, हम लोग नाम देख रहे हैं झारखंड, ठीक है, तो इसको हम लोग कई सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो पहला सेगमेंट हम लोग इसमें देखेंगे, पहले सेगमेंट में हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे झारखंड की, ठीक है। झारखंड की अगर हिस्ट्री की हम लोग देखेंगे तो देखिए, हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और कब जाना पड़ेगा, ईयर 2000 में। जब हम ईयर 2000 में जाएंगे तो यहां पर हमें तीन डेट दिखाई देती हैं। एक देती है 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000, सन 2000, एक दिखता है 9 नवंबर 2000 और एक दिखता है 15 नवंबर 2000। इस दिन क्या घटना घटी थी, तो बिल्कुल आप जानते होंगे इस बात को, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो 1 नवंबर को हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड, सॉरी, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था, 9 नवंबर को उत्तराखंड, उस समय उसको उत्तरांचल बोलते थे, ठीक है, 2008, 1 जनवरी 2008 से उसको उत्तराखंड बोला जाने लगा, उत्तराखंड बन गया। और 15 नवंबर जो है ये झारखंड के बनने की डेट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से कटा था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, और झारखंड बिहार से। ये तो हम लोग को एक बेसिक इंफॉर्मेशन, क्लियर है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चूंकि झारखंड को आज डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कल को हम लोग किसी और राज्य को डिस्कस करें। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली में चुनाव होंगे तो दिल्ली को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको एनसीआर क्यों कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन क्यों कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्यों कहा जाता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। आज आपको झारखंड को समझना है थोड़ा, मैं हर इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, 15 नवंबर को झारखंड सन 2000 में बन गया, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एक पॉलिटिकल सिस्टम यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। जब पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर हमें सीएम देखने को मिलेगा, जो एक बहुत ही चार्म पोस्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो एक चार्मिंग पोस्ट होती है, ठीक है, हर कोई बनना चाहता है, सीएम पीएम कौन नहीं बनना चाहता, ठीक है, क्योंकि वो संवैधानिक पद होते हैं सारे के सारे, ठीक है, संविधान में उनका वर्णन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सीएम, तो आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट सीएम कौन थे झारखंड के, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट में चुनाव हुआ है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि झारखंड के पहले जो सीएम है उनका नाम क्या है, उनका नाम है बाबू लाल मरांडी जो है ये झारखंड के पहले सीएम थे। देखिए, मैंने यहां लिख दिया है फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड बाबू लाल मरांडी। अब इनके लिए आप थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाबूलाल मरांडी साहब जो हैं ये बीजेपी को लीड करते थे, उसके बाद इन्होंने बीजेपी से अलग होकर एक नई पार्टी इन्होंने बना ली थी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेवीएम। जेवीएम का मतलब है झारखंड विकास मोर्चा, ठीक है। हम लोग यहां पर किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन है, जो प्रशासनिक बहस है, उसको हम लोग यहां पर रखेंगे। हम लोग किसी भी प्रकार की राजनीतिक
बहस में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये सिविल सर्विस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चैनल मैं चला रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो एक तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जेवीएम अभी चुनाव लड़ा था। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा किसको कितनी सीटें मिली हैं, तो वो मालूम चल जाएगा आपको। तो एक तो ये आपको हिस्ट्री में पता होना चाहिए था, तो ये आपको हिस्ट्री मालूम चल गई। ठीक है, चलिए, अब हिस्ट्री को हम लोग इसको जोड़ देते हैं प्रेजेंट से। ठीक है, कि आज अगर आपसे कहा जाए कि सीएम कौन है, ठीक है, तो आज सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन साहब है सीएम। ठीक है, आज आपसे गवर्नर भी पूछा जा सकता है, तो आज गवर्नर कौन है, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मुर्मू से आपको कुछ लग रहा होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, उनका नाम, उनके सरनेम भी मुर्मू है, तो बिल्कुल मत समझना कि द्रौपदी मुर्मू और उनके बीच कोई भी संबंध है, भाई बहन या पति पत्नी का, बिल्कुल नहीं, कोई संबंध ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके जो हस्बैंड है उनका नाम श्याम चरण मुर्मू है। ठीक है, इनके हस्बैंड का नाम श्याम चरण मुर्मू है, और वो जो है वो गिरीश चंद मुर्मू है, चरण मुर्मू है, जो जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, नहीं आप समझे द्रौपदी मुर्मू और चलिए कोई बात नहीं। तो गवर्नर आज एट प्रेजेंट मैंने यहां लिख दिया है, प्रेजेंट डे में हम अगर बात करें तो हेमंत सोरेन जो है ये सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुमत दल का नेता ही सीएम और पीएम बनता है, हम लोग जानते हैं। तो एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये हम लोग को समझ में आ गया, थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देख ली। सन 2000 में बना था, 15 नवंबर को गठन हो गया है। ठीक है, बाबूलाल मरांडी पहले सीएम है, पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर डेवलप हो गया। इन्होंने बीजेपी से अलग होके, चलिए यहां पे मैं ईयर लिख देता हूं 2006। ठीक है, 2006। हाँ, एक मैं होमवर्क मैंने सोच रखा था, मैं होमवर्क जरूर देता हूं एक आध क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पर मैंने होमवर्क सोच रखा था आपको, यहां पर फर्स्ट गवर्नर आपको बताना है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन में होमवर्क का रखता हूं, आपको मेरी आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी, और प्लीज इसको सर्च करके कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए, इसे ये मालूम चल जाता है कि आपके और मेरे बीच जुड़ाव हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एक छोटा सा, अच्छा हाँ, यहां पर एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लो, कि प्रेजेंट डे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो झारखंड एक राज्य है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर लोकसभा सीटें भी होंगी, राज्यसभा सीटें भी होंगी, और लेजिस्लेचर असेंबली जो है वहां पर, जो विधानसभा है, विधानमंडल तो है नहीं, विधानमंडल तो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है, लेकिन वहां पर केवल विधानसभा है। ठीक है, तो किसमें कितनी सीटें हैं, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेचर असेंबली, जिसके चुनाव अभी हुए हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, इनकी संख्या कितनी है? 81। ठीक है, इनकी संख्या 81 है। ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीटें जाती हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा में 14 सीटों का यह प्रतिनिधित्व करता है, और राज्यसभा में 6 सीटों का। ठीक है, चूंकि करंट की बातें हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, एक तो ये स्थल, सॉरी, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब हम लोग यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो आपके काम की हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए और इस तरह से पढ़िए। मैं लगातार हर जगह बोलता हूं कि इस तरह से पढ़ो कि वीडियो देखते देखते आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो बाबूलाल मरांडी पहले थे, अगर हम सीएम के क्रम में देखें तो हेमंत सोरेन जो है, जब ये बनेंगे सीएम, तो ये 11वें होंगे क्रम से। ठीक है, चलिए, खैर, अब हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पर डिस्कस करते हैं कि जो सीएम बने हैं वो किस पार्टी के हैं। तो थोड़ा सा यहां पर हम कुछ पार्टीज को लेकर आपको मैं आपको विचार देना चाहता हूं।
तो देखिए क्या विचार मैं दे रहा हूं। एक पार्टी हम लोग के सामने है जेबीएम, जेएमएम इसको बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। बस आराम से समझते चलो, थोड़ी देर का वीडियो है, आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, इस बात का दावा है। ठीक है, आपको लगेगा ही लास्ट में। एक जेएमएम मैंने डिस्कस कर लिया है, जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट जिसने किया था। एक मैंने अभी आपको बताया जेबीएम, ठीक है, झारखंड विकास मोर्चा, ये मैं अभी लिखा चुका हूं। ठीक है, तीसरे जो जिसने चुनाव में भाग लिया वो कांग्रेस है, हम लोग जानते ही हैं कांग्रेस। ठीक है, चौथा आरजेडी, चौथी आरजेडी है। ठीक है, राष्ट्रवादी जनतांत्रिक दल जो है। ठीक है, अच्छा यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान क्या रखना है, तो जेएमएम की अगर हम बात करें, ठीक है, जेएमएम, तो जेएमएम पता है अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जेएमएम को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो आप एक नाम बहुत जल्दी टिक कर देंगे जिसका नाम है शिबू सोरेन। ठीक है, तो शिबू सोरेन जो है उनका नाम आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, किसका नाम आपको टिक करना है, तो आपको टिक करना है विनोद बिहारी मेहता। क्या नाम है, विनोद बिहारी महतो। ये जो विनोद बिहारी महतो है, ध्यान से समझना, ये जो विनोद बिहारी महतो है ये फाउंडर है। ठीक है, एफ कहीं भी आ जाए तो समझ लेना फाउंडर से है। तो इसको फाउंड किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसने, विनोद बिहारी महतो ने। आप याद रख सकते हैं कब फाउंड किया था, तो 1972। ठीक है, यानी कि सबसे पुरानी पार्टी इस चुनाव में, सबसे पुरानी पार्टी का अब सीएम बना है। ठीक है, इसलिए मैंने क्षेत्रीय सामंतवाद की बात कही है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये जेबीएम है, मैंने बता दिया था 2006 में बाबूलाल मरांडी द्वारा बनाई गई है। कांग्रेस हम लोग जानते ही हैं, ये 1885 से चली आ रही है। ठीक है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, इतिहास में मैं पढ़ाऊंगा ही आपको। ठीक है, आरजेडी जो है ये भैया हमारे लालू प्रसाद यादव, इन्हें कौन भूल सकता है, आजकल यशस्वी यादव भी काफी बढ़ चढ़कर पॉलिटिक्स में, लेकिन वो पॉलिटिकल बातें हैं, मैं वो बातें नहीं करूंगा। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की स्थापना करी थी, कब करी थी, 1997 में। ठीक, एक नजर आपकी जरूर होनी चाहिए इस प्रकार की चीजों पर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको दे क्या रहा हूं और उससे आपको बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इन पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं कि अच्छा हाँ, एक और पार्टी है आजसू। ठीक है, आजसू जो है झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, इसका आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इजी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, इसके जो हेड हैं अगर मैं इस समय हेड की बात करूं, तो इसके हेड कौन है, सुदेश महतो। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ये इसके हेड हैं इस समय। इनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था और इनको बहुत उम्मीद थी कि ठीक ठाक सीटें इनको मिलेंगी, लेकिन नहीं मिल पाई। ठीक है, तो सीएम पद से और ये दौड़ से बाहर हो गए, और ये आजसू जो है वो कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन एट लास्ट इन्होंने अपने दम पर ही चुनाव लड़ा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको सीटों के बारे में बता देता हूं, और छठे नंबर पर एक नाम मैं और लिख देता हूं, बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी को यहां पर 25 सीटें मिली हैं, आराम से समझ लीजिए इस चीज को। आजसू जो है इसको केवल 2 सीटें मिली, आरजेडी को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं, जेबीएम को 3 सीटें मिली हैं, और जेएमएम को सीटें जो है वो सबसे ज्यादा 30 सीटें मिली हैं। तो इन लोगों ने मिलकर सरकार बना ली है, बीजेपी इस बार सरकार बनाने में असफल रही है। ठीक है, अच्छा बीजेपी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बीजेपी में एक नाम, बहुत बड़ा नाम जो चर्चा में रहा, उनका नाम था रघुवर दास। इनके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए, रघुवर दास के, रघुवर दास ने कहां से चुनाव लड़ा था, तो आपको याद होना रहना चाहिए कि इन्होंने
जमशेदपुर, जमशेदपुर ईस्ट, यहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें ये हार गए। और इनको हराने वाला और कोई नहीं सरयू राम थे। इनको हराने वाले कौन थे? इनको हराया सरयू राम ने हराया। और ये जो सरयू राम है ये काफी चर्चा में रहे थे कंबल घोटाले के लिए। ये विसिल ब्लोअर का काम इन्होंने किया था जब कंबल घोटाला वहां पर हुआ था। तो बीजेपी के कार्यकाल में इन्होंने अच्छे अच्छे पदों पर काम किया, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ ही इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। तो एक प्रकार के विसिल ब्लोअर के रूप में ये सामने आए थे कंबल घोटाले में। खैर, तो वो भी एक पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, वो हम लोग को नहीं उतना बहुत ज्यादा समझना है। बस याद रखिएगा किसने हराया, तो सरयू राम ने हराया, विसिल ब्लोअर ब्लोअर थे कंबल घोटाले के। और कहां से हारे हैं रघुवर दास, ये एक बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूं, नजर, मेरी नजर से अगर आप चीजों को देखेंगे तो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो झारखंड चुनाव आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा बस, और उसके बाद वीडियो को मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत लंबा वीडियो ले जाने के मूड में नहीं हूं। बस अब आ जाओ सिविल सर्विस, जो आईएएस पीसीएस के बच्चे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हेडिंग में दे रखा था, इस पर उन्हें चिंतन करना है। और टेलीग्राम जो मैंने बताया है उसमें क्या करना है मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, इस मुद्दे पर। तो देखिए, मैंने आपको एक शब्द दिया, क्षेत्रीय सामंतवाद, ठीक है। क्षेत्रीय सामंतवाद भारतीय राजनीति के लिए, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्षेत्रीय सामंतवाद भारतीय राजनीति के लिए कहां तक उचित है, यह आपका क्वेश्चन है। और इस पर आपको अप्रोक्स, मेरी अगर मानेंगे आप तो कम से कम 150 शब्द आप जरूर लिखिए, ठीक है, अपने विचार लिखने हैं आपको, ठीक है, आपको अपने विचार लिखने हैं। क्षेत्रीय सामंतवाद का यहां मतलब यहां पर आपको जोड़ना है रीजनल पार्टी से या क्षेत्रीय पार्टी से। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहां पर सपा है, जो समाजवादी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ठीक है, सॉरी मुलायम सिंह यादव और जो सीएम रहे हैं, ठीक है, अखिलेश यादव, तो ये एक क्षेत्रीय पार्टी है सपा, ठीक है। तो अगर हम कहें भारत में नेशनल पार्टी कितनी है, तो भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 8 है, ठीक है, मैं कभी किसी वीडियो पे सारी पार्टियां लिखा दूंगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिस्कस आपको इस ढंग से करना है कि क्षेत्रीय सामंतवाद जो भारतीय राजनीति के लिए कहां तक उचित है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां स्टेट में, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्षेत्रीय पार्टियां अगर स्टेट में अच्छा काम करती हैं तो इसका मतलब है कि एट प्रेजेंट वोट बैंक की राजनीति के तहत वो अच्छा काम कर रही हैं, या फ्यूचर में भी अच्छा काम करके दिखाएंगी। क्योंकि अगर क्षेत्रीय पार्टियों का एक बार दबदबा हो जाता है तो राजनीति में हमने अगर पिछले अगर इतिहास देखें तो जब हमने क्षेत्रीय पार्टियों पर विश्वास किया तो हमें एक बहुत बड़ा नुकसान उस समय देखने को मिला था। वो नुकसान था राजनीति का अपराधीकरण और अपराधीकरण की राजनीति। तो ऐसा ना हो कि हम भविष्य में अपराधीकरण की राजनीति में एक बार फिर से पड़ जाएं और हमारी राजनीति दूषित हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सामंतवाद पे आपको, हाँ ये जरूर याद रखना कि आपको प्लस माइनस दोनों लिखना है, ठीक है, केवल माइनस नहीं लिखना है, केवल प्लस नहीं लिखना है। अगर हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन जो है वो जीते हैं, इसका मतलब कि उनके आचार विचार व्यवहार फिलहाल तो सही है, ठीक है, और भविष्य में भी सही रहेगा ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, ठीक है। झारखंड के सीएम बने हैं, ठीक है, बड़ा पद होता है, चार्मिंग पोस्ट है, ठीक। तो चलिए, इसको आप लोग लिखना है आपको। और मैंने अभी यहां पर दास सर्किल लिखा था, दास, मुझे पता है अभी कम बच्चे इसको इंटरेस्ट के लिए लेंगे, लेकिन जो सिविल सर्विस के बच्चे हैं वो जरूर इस पर 150-200 शब्द जरूर लिखें। और दास सर्किल जो टेलीग्राम पर, आप जाकर इसमें ज्वाइन हो जाइए और 150-200 शब्द आप लिखिए, उसकी फोटो खींचकर
मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और या दास सर्किल पे तो शायद आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे, आप डॉक्टर अनुराग भी खोज सकते हैं। तो डॉक्टर अनुराग पर अगर जाएंगे तो टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगा, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अनुराग टेलीग्राम पे आप जाके चैट करिए, ठीक है। चलिए, और बिल्कुल मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करना है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगला वीडियो आपके लिए आने जा रहा है क्यूबा, ठीक है। ये तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर था, अगला वीडियो आपके लिए इंटरनेशनल अफेयर्स का रहेगा। उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यूबा में अभी लगभग 40 साल बाद एक पद फिर से जिंदा हो गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वहां पर हेड ऑफ स्टेट जो है वो पद जो है वो 1976 के आसपास खत्म कर दिया गया था, तो लगभग 40 साल बाद वो पद फिर से बन गया है। तो क्यूबा आपके लिए नया नहीं रहेगा, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, क्यूबा आपके लिए नया नहीं रहेगा। अगला वीडियो उसी पर रहेगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में, ठीक है। उस पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिस पर आपको 150-200 शब्द लिखने हैं। तो प्लीज बच्चे, मेरी ये रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। शेयर आप जितना ज्यादा करेंगे आपको इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिर मुलाकात करेंगे क्यूबा वाले वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।